तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम फिर एक नए चैलेंज के साथ तैयार हैं। ये मेरे एक दोस्त की बाइक की सीट है, इसके साथ किसी ने उनके प्रेम व्यवहार निकाले हैं। इसको यहाँ से पूरी ब्लेड मारी है, यहाँ से ब्लेड मारी है, और तो और फोम की भी लग चुकी है, ये देखिए। तो आज देखते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। को उन्होंने काफ़ी बार रिपेयर कराया है, एक्चुअली वो फ्रेंड नहीं है, कस्टमर है, पर अब आप जान रहे हो। उनकी फोम भी यहाँ से, ये देखिए सीट की प्लेट निकल आई है। तो सबसे पहले ये दोनों कवर को निकालेंगे, उसके बाद ये फोम रिपेयर करेंगे। तो कवर निकालने के लिए मुझे वीडियो को करना पड़ेगा पॉज, एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे कवर पूरे निकल गए हैं दोस्तों। अब आपको सीट का हाल दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से स्टेपल बाहर आए हैं। ये होता ये है कि जो नए नए कवर लगाने वाले होते हैं उनके पास अगर आप कवर लगवाने जाओगे या गैरेज वालों के पास, तो वो जो है इस टाइप की गलतियाँ करते हैं जिससे नुकसान आपकी सीट को ही होती है। ये देखिए यहाँ से जो है ये फोम पूरी तरीके से खिंचा कर मुड़ गया था। अब ये सब हम फिक्स करेंगे, सबसे पहले ये रिपेयर करेंगे। क्या आप बैक साइड से देखिए, इसमें जाली लगाया गया था। जाली वाली कवर दोस्तों अच्छी ज़रूर होती है, पर वो गद्दे को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। उससे ये सब जो कर्व होती है ना, ये कर्व, ये सब, ये जो कर्व होती है ये पूरी दब जाती है। यहाँ से देखिए ये इसमें निशान पड़ गए हैं, ये निशान आ गए हैं। देखिए चलो अब इसको फिक्स करते हैं, इसके लिए हमें वीडियो को करना पड़ेगा पॉज। तो मिलते हैं फिक्स करके। तो ये हमारी सीट हो गई है रिपेयर, यहाँ पर से ऐसे कट लगी थी वो देखो फिक्स हो गई है। ये यहाँ पे फोम डली हुई है, लिक्विड फोम है, थोड़ा सूखने में ये टाइम लगेगा। ये यहाँ से ये भी रिपेयर हो गई है। अब बारी है इसकी कवर डिज़ाइनिंग की। तो इस पर मैंने सोचा है इसकी कवर हम बनाएंगे ये यहाँ से, यहाँ पे पतली पतली पट्टी करके अलग से कलर ऐड करेंगे। ये यहाँ से जो है अलग कलरिंग होगी। और बाकी सब फिर वैसे ही रहेगा। तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारी कवर हो गई है कटिंग। अब ये ब्लैक की है, ये रेड है, वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है। और इसमें लगना है ये यहाँ पे लगेगी, ये वाली देखिए। और इसमें होगी इसके बैक साइड में यहाँ पे हीरो। और
हम यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि पैशन प्रो लिखे या फिर कुछ और। चलिए अब आपको लैंडस्केप में दिखाता हूँ। चलो अब हम इसको करते हैं फिक्स। हाँ, और मैं ये जो है यहाँ पे सिलाई शायद ही करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो अब हमारी फॉर्म जो है पूरी तरीके से सूख चुकी है, ये भी लगभग बराबर हो गई है और हमारी कवर भी हो गई है रेडी। तो ये देखिए ये हमारी कवर है, ये इसके साइड में हीरो की लोगो और ये बीच में रफ, ये पैशन प्रो, ये हमारे दुकान की लोगो, ये बीच की कटिंग। तो चलिए अब कवर को फिट करते हैं, जिसके लिए मुझे वीडियो फिर से पॉज करना पड़ेगा। तो चलिए फिट करने के बाद देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो हमारी शीट हो गई है फिट दोस्तों। ये देखो ये हमारी दुकान की लोगो, ये बीच की स्ट्रिपिंग, ये बीच की ब्लैक वाली, ये है पैशन प्रो बाइक की नेम लोगो और ये है ग्रिपिंग। ये वैक्यूम ग्रिपिंग होती है, इसमें से जो है एयर पास होती है। जब आप लंबा सफ़र में जाओगे तो ये जो साइड से आई हुई है इसमें से एयर सप्लाई होती है। और ये जो है अपनी थ्रेडिंग है, ये प्योर वाटरप्रूफ है, क्योंकि कहीं से भी पानी नहीं घुसेगा, सिलाई से भी नहीं घुसेगी। इसमें देखिए हम जो कवर लगाते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि इसकी कर्व जो है वो बराबर से रहे, इसके सारे कर्व जो एकदम सेटिंग से हैं। अब आपकी फाइनल बात आती है इसकी क्वालिटी की। तो ये देखिए ये मेरे नेल्स हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेटल है, ये मेटल से मैं रब कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें कहीं पे भी स्क्रैच भी नहीं लग रही है। इस कवर को लगवाने में कॉस्टिंग अराउंड 400 की आती है। अगर आपको ये कवर पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन सी बाइक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।